और नए दिन के साथ नई रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है कोई पैचअप करना चाहता है, तो ऐसा ख्याल उनके मन में क्यों आ रहा है और आपको क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है, ये थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। पिक अ कार्ड होगा, ये रहेगा पाइल नंबर वन और ये रहेगा पाइल नंबर टू। पाइल नंबर वन, पाइल नंबर टू, पांच कार्ड लेंगे टावरो में से, तीन कार्ड लेंगे एंजल्स आंसर में से और इसमें से भी पांच कार्ड लेंगे इस ओरेकल में से। एक, दो, तीन, चार और ये हो गया पांच। इसमें से भी हम पांच कार्ड लेने वाले हैं। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए पांच। एंजल आंसर में से तीन कार्ड लेंगे, एक, दो और ये हो गए तीन। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर वन के लिए जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। पाइल नंबर टू के कार्ड्स देख लेते। एक, दो, तीन, चार और ये हो गया पांच। एक, दो, तीन, चार और ये हो गए पांच। एक, दो और एक तीन, ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर टू के जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। तो ये है पाइल नंबर वन और ये है पाइल नंबर टू। शुरुआत करेंगे पाइल नंबर वन से। कोई पैचअप करना चाहता है, समझ में आया क्यों? पहला ही कार्ड आपको बता रहा है ये पर्सन आपके लिए ढेर सारा पैशन फील कर रहे हैं, इस तरह से आपके लिए इनके दिल में जज्बात उमड़ रहे हैं। मतलब आपके पर्सन जो भी है, मेल फीमेल पर्सन, उनके दिल में आपके लिए जो थॉट्स है वो बहुत डीप है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटर है जो रिप्रेजेंट करता है उनके डीप इमोशंस को। तो ये पर्सन आपसे शायद कह नहीं पा रहे हैं हाउ मच दे अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। तो आपके लिए शायद इनके दिल में जो जज्बात है वो थॉट्स बन के इनके माइंड में बार बार रिपीट हो रहे हैं। साथ ही साथ इनका दिल जो है वो कहीं ना कहीं आपकी धड़कनों से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है, इसलिए ये इस तरह का आपके लिए सोच रहे हैं। मतलब आपसे दूर रह के तो इन्हें ये पैशन महसूस होगा नहीं, तो आप समझ सकते हैं किस लेवल तक आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं। नेक्स्ट है द फूल। तो शायद अब तक उन्होंने अपनी तरफ से थोड़ी सी बेवकूफी की थी, मतलब आगे के रास्ते के बारे में भी नहीं सोचा था, थोड़ा केयरलेस नेचर था और इमैच्योर एनर्जी में भी थे, जिसकी वजह से
ऐसा ही जैसे यहाँ पे ये फूल का एक पैर फंसा हुआ है और ऑलमोस्ट वो गिरने की कगार पे है, वैसा ही उन्हें आपके बिना लाइफ में अब संभलना मुश्किल लग रहा है, मतलब इम्बैलेंसिंग लग रहा है। और बार बार आपके जो थॉट्स हैं वो उनके माइंड में आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। और उन्हें पता है कि ये जो उन्हें नई जर्नी स्टार्ट करनी है वो आपके साथ ही करनी है। ये फूल रिप्रेजेंट करता है न्यू स्टार्ट को, तो उसके बारे में भी काफी ज्यादा सोच रहे हैं। थ्री ऑफ सॉर्ट्स, ये कार्ड अगर हम ऐसा ले लें कि रिवर्स आया था, तो मे बी इन पास्ट ऐसा कोई पर्सन था जो आप दोनों के बीच में आ रहा था, या फिर उसने कुछ मुश्किलें डाली थी। हो सकता है उनका कोई फ्रेंड हो, या फिर उनके लिए किसी ने डीप अट्रैक्शन दिल में रखा था, या फिर उनकी फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, जॉब भी कई बार होता है। तो ऐसे किसी मुश्किल हालात की वजह से वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे थे। लेकिन अगर ये कार्ड रिवर्स आ रहा है तो आप देख सकते हैं ये जो सॉर्ड है वो सीधी बन चुकी है अब, तो अब ये उस एनर्जी से निकल चुके हैं और इसलिए उन्हें ये एहसास हो गया है कि फैमिली भी है, शायद उनका वो दोस्त भी है, लेकिन अगर उन्हें ये एनर्जी दिल से फील हो रही है तो वो आपके बिना अपने आप को बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं और इम्बैलेंस भी फील कर रहे हैं, इसलिए ये पैचअप का ख्याल उनके मन में आ रहा है। नेक्स्ट है नाइन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, ये विश कार्ड होता है, तो उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो रहा है कि उनकी डीप डिजायर तो यही है आपके साथ ऐसी एनर्जी में खुद को पाना, मतलब आपके लिए प्यार तो है लेकिन ये पर्सन दिल से आपके लिए इतना क्लोजनेस फील करते हैं कि आपको अपने दिल के इतने नजदीक वो समझते हैं। मे बी कई सारे उनके ड्रीम्स हैं जिसमें उन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादा सपने देख के कुछ जिंदगी का आगे का सफर तय किया है, और उसी बात को लेके ये अपने दिल के बारे में जब सोचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि आप ही है उनकी ये विश। मतलब ये कब तभी पूरे हो पाएंगे जब इसमें एक और कप ऐड हो जाएगा। टेन ऑफ कप की एनर्जी में वो सिर्फ आपका प्यार ही चाहते हैं। नेक्स्ट है टू ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, पहला भी कार्ड यही आया था लवर्स का, और ये टैरो का कार्ड आप देख रहे हैं। ये दोनों कार्ड क्या बताते हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे। ये अब आपसे रूबरू होना चाहते हैं और आपके लिए जो ढेर सारा प्यार ये फील करते हैं उस कप को ये क्लियरली आपके सामने रखना चाहते हैं। ये भी यहाँ पे भी वाटर है जो उनके डीपेस्ट डिजायर को और डीप इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से आप तो यहाँ पे, मतलब ये इमेज अगर हम देखें तो ये लेडी तो ऊपर की तरफ है लेकिन ये जो पर्सन है वो पूरी तरह से ऑलमोस्ट आधा इस पानी में डूब चुका है, तो ये आपके प्यार में खुद को डूबा हुआ महसूस करते हैं और उन्हें पता चल गया है कि आप ही है उनका सच्चा प्यार। चॉइसेस, मे बी इन पास्ट उनके सामने कुछ और चॉइसेस थे, शायद उसी वजह से इन्होंने ऐसी कुछ एनर्जी चूज की, मतलब किसी फ्रेंड का कुछ ओपिनियन, उसके ऊपर ध्यान दिया, उसकी चॉइसेस को ध्यान दिया, या फिर अपनी फैमिली को चॉइस किया, तो ऐसी कुछ गलत चॉइसेस उनकी तरफ से हुई है लेकिन अब ये सब वो सही करना चाहते हैं। अनफेथफुल, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को थोड़ा सा मे बी ऐसा कुछ जिंदगी में महसूस हुआ है जिसकी वजह से उन्हें शायद किसी की तरफ से ये अनफेथफुल एनर्जी मिली है। मे बी इस पर्सन ने थोड़ा सा आपको साइड में रख के कुछ और सोचने की कोशिश की थी और वहीं से शायद उन्हें ये अनफेथफुल एनर्जी मिली है, मतलब शायद किसी के बारे में ये भी डीपली सोचने के लिए शुरुआत कर चुके थे और वहां पे उन्हें पता चला कि वो पर्सन तो इतना फेथफुल है ही नहीं। जेंटलमैन, तो अब ये जो सोच रहे हैं, मतलब अगर आप कोई मेल पर्सन है तो आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा जेंटली सब बातों के बारे में सोच रही है, और अगर ये जेंटलमैन का कार्ड आया है तो ये एक जेंटलमैन जैसे बिहेव करता है, मतलब प्योर रिस्पेक्ट के साथ, पूरे तहजीब के साथ अपने दिल के जज्बात किसी के सामने रखना और उसका ओपिनियन ध्यान में लेना कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, तो इस तरह की एनर्जी में है। इनिशियल फीलिंग्स, तो इस पर्सन के दिल में अब आपके लिए जो फीलिंग्स है वो इनिशियल बन चुकी है, यानी कि उन्हें पता चल चुका है
असली प्यार होता क्या है, इमोशनल सपोर्ट। थोड़ा सा कहीं ना कहीं इन्हें इमोशनल सपोर्ट भी जिंदगी में शायद राइट नाउ चाहिए। और ये अगर इस वक्त आपसे इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं, मतलब आपको तो पता भी नहीं है शायद ये इतना ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इमोशनली अगर इनका आपके साथ ऑलरेडी कनेक्शन बन चुका है, तो उन्हें लगता है कि आपका अगर ये सपोर्ट उन्हें मिल जाएगा तो ऑलमोस्ट सब कुछ उन्हें मिल जाएगा जो उन्हें जिंदगी में चाहिए। देखते एंजल्स आंसर क्या है। लुक फॉर अ साइन। तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको साइन की तरफ ध्यान देना है, यानी कि वो पर्सन आपको हिंट देने की कोशिश करेंगे। तो आपको देखना है कि क्या ये आपके लिए सही है। साथ ही साथ एंजल भी आपको कुछ साइन देने वाले हैं, मतलब जब वो पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने आएंगे तो आपको भी अपने कुछ साइंस मिल जाएंगे एंजल की तरफ से, जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी मिलेगी उस पर्सन की फीलिंग्स को समझने में। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो अगर आपको जरूरत लगती है तो आप एंजल से भी मदद मांग सकते हैं, या फिर आपका अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है अपने घर वालों से भी बात कर सकते हैं। मतलब अगर आपको कन्फ्यूजन फील हुआ इस पर्सन से बात करने के बाद, तो आप दूसरों से भी मदद ले सकते हैं जो आपके अपने हैं और आपका भला चाहते हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो आपको मेडिटेशन करने की भी सलाह दे रहे हैं एंजल्स। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेडी बैठी हुई है और सामने जो एंजल है वो उसको कहीं ना कहीं से हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो ड्रेस का कलर है वो पर्पल कलर रिप्रेजेंट करता है क्राउन चक्र को। क्राउन चक्र सिर के ऊपर होता है, तो ऐसे ही आपके दिल में सही थॉट आने के लिए शायद आपको मेडिटेशन करना ही सही रहेगा, क्योंकि वहां पे आप डायरेक्टली यूनिवर्स से शायद कनेक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी आने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो ये तो पर्सन आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, उसके पीछे वजह क्या है ये थोड़ा बहुत जानने की हमने कोशिश की, लेकिन आपको भी अपने दिल की सुननी है और उन्हीं साइन की तरफ ध्यान देना है जो आपको एंजल्स देना चाहते हैं। ये था रीडिंग पाल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। अब देखते हैं पाल नंबर 2 के कार्ड्स, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है। सेवन ऑफ पेंटेकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे ये पेंटेकल्स है, मे बी ये पर्सन थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं, या फिर अब तक उन्होंने शायद करियर को थोड़ा फोकस किया था और अपने इमोशंस को साइड में रखा था, लेकिन अब उन्हें आप तक पहुंचने की ये सीढ़ी मिल चुकी है। मतलब उनके सामने की जो मुश्किल है, जैसे यहाँ पे अगर कोई पेड़ पे चढ़ना चाहेगा तो उसको ये पता नहीं है कि किस तरह से चढ़ा जाए, किस तरह से ये पेंटेकल्स कलेक्ट किए जाए, लेकिन अगर हम काउंट करें कि अब ये सीढ़ी मिल चुकी है, आसानी से कोई भी इस सीढ़ी पे चढ़ के इन सब पेंटेकल्स को कलेक्ट कर सकता है, तो ऐसा ही शायद कोई रास्ता आपके पर्सन को मिल चुका है, जिसकी वजह से अब वो आप तक रीच आउट होना चाहते हैं और इसीलिए ये पैचअप का ख्याल उनके मन में आ रहा है। फोर ऑफ फैंस, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो जैसे यहाँ पे ये पर्सन है, ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन कर रहे हैं। मतलब आपके पर्सन जो भी है, मेल फीमेल, उन्होंने ऑलरेडी आपके साथ एक इमेजिनरी फैमिली इमेजिन की है और उसी फैमिली को शायद अब ये अब रियलिटी में बदलना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटेकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो उनकी जो भी मुश्किलें थी, करियर से रिलेटेड हो, पैसों से रिलेटेड हो, या फिर उनकी फैमिली की तरफ से भी जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो शायद अब सॉल्व हो चुकी है, इसलिए ये पैचअप चाहते हैं। नेक्स्ट है टेन ऑफ पेंटेकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टेन मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। तो जैसे कि हमने देखा कि ऑलरेडी एस ऑफ पेंटेकल्स का भी कार्ड आया है और टेन ऑफ पेंटेकल्स का भी, तो इनकी जो भी मुश्किलात थे जिंदगी में, शायद ये उन मुश्किलों के साथ डील कर रहे थे। हो सकता है कुछ फैमिली मैटर भी हो जिसमें थोड़े से उलझे हुए थे, या फिर पैसों की भी थोड़ी सी शायद कुछ दिक्कत चल रही थी, ऐसा कुछ चल रहा था, लेकिन अब ये सॉल्व हो चुका है क्योंकि टेन का कार्ड आया है। मतलब उस सिचुएशन से अब वो उभर चुके हैं, इसलिए शायद अब पूरी तरह से आपकी तरफ उनका फोकस आया है। टेम्परेंस, आप दोनों शायद एक दूसरे से काफी ज्यादा अपोजिट है, मतलब एक आग है तो दूसरा पानी की तरह है,
आपका नेचर शांत हो सकता है, आपके पर्सन थोड़े से गुस्से वाले हो सकते हैं या फिर अपोजिट एनर्जी भी हो सकती है। लेकिन इस पर्सन को रियलाइज होता है कि इसके बावजूद कि आप दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट है, उनके दिल में आपके लिए जो अट्रैक्शन है वो बहुत इंटेंस लेवल पे है। अपोजिट अट्रैक्ट्स कहते हैं, ये वहाँ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और इसीलिए अब ये आपकी तरफ जो अट्रैक्शन है उसको बहुत ज्यादा डीपली महसूस कर रहे हैं। इन एक्शन, अब तक शायद इस पर्सन ने कोई एक्शन नहीं ली थी क्योंकि इनके सामने ये सब प्रॉब्लम थे, लेकिन अब ये एक्शन ले मोड में आना चाहते हैं। फाइटिंग फॉर अटेंशन, तो अब ये अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं आपका अटेंशन पाने के लिए। तो उन्हें लगता है कि एक बार बस आपका अटेंशन उनकी तरफ आ गया तो ये पैचअप हो ही जाएगा। इमैच्योर मैन, अब तक का शायद इनका जो बिहेवियर था वो थोड़ा सा इमैच्योर था, मतलब मेल फीमेल जो भी पर्सन है आपके, उनको रियलाइज हो गया है कि उनका जो तरीका था आपकी तरफ बढ़ने का वो थोड़ा सा इमैच्योर था और शायद इसीलिए वो अलग नजरिए से अब सोच रहे हैं। गोइंग अगेंस्ट, तो ये शायद किसी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे, मतलब हो सकता है घर वाले वगैरह भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, लेकिन इन्हें पता चला कि ये खुद के ही दिल के अगेंस्ट जा रहे हैं। और अब जब उन्हें ये एहसास हो चुका है कि आपके बिना तो उनकी ये जिंदगी में बाकी सब, मतलब पेंटेकल्स भी शायद सभी कलेक्ट कर लिए हैं उन्होंने, लेकिन अगर ये प्यार नहीं रहेगा तो ये ऑलमोस्ट खुद के ही अगेंस्ट जा रहे हैं और ये शायद वो अब करना नहीं चाहते। इनर स्ट्रेंथ रिक्वायर, तो अब तक आपके सामने ये बात कहने के लिए शायद उनको थोड़ी हिम्मत कम पड़ रही थी, मतलब हो सकता है घर के भी कुछ हालात काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे जिसकी वजह से उन्हें आपके सामने वो बात रखना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी, या फिर पैसों की भी अगर कोई बात थी तो उन्हें शायद लग रहा था कि पता नहीं ये आपको पता चलेगा तो आपका रिएक्शन क्या होगा। तो ऐसे कई सारे शायद डर थे जिनकी वजह से सोच सोच के ही उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम पड़ रही थी, लेकिन अब शायद उन्होंने वो स्ट्रेंथ हासिल की है। वेट, उन्हें पता है कि अब तक एंजल आंसर यही बता रहे हैं कि शायद आपने भी अब तक इस पर्सन की बहुत ज्यादा राह देखी है और अगर सच्चे दिल से आपने उनका इंतजार किया है तो अब ये समय आ गया है कि जब वो पर्सन सामने से खुद चाहता है कि आप दोनों का पैचअप हो। आस्क योर एंजल्स, तो एंजल्स ये चाहते हैं कि आपको जो भी हेल्प चाहिए जिंदगी में आप अपने एंजल्स को वो हेल्प मांग सकते हैं, मतलब हमारा गार्डियन एंजल तो होता ही है लेकिन कई सारे एंजल्स हमारे इर्द गिर्द होते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते रहते हैं। तो ऐसी अगर कोई सिचुएशन है, आपको कोई हेल्प चाहिए, यूनिवर्स की तरफ से चाहिए या फिर एंजल की तरफ से चाहिए, तो आपको अपने एंजल को वो मदद पूछनी है। कम्युनिकेट क्लियरली, तो आपको एंजल्स के साथ भी एक कम्युनिकेशन क्लियर रखना है, मतलब आपको सच्चे दिल से क्या चाहिए, ये पर्सन के साथ पैचअप चाहिए या नहीं चाहिए ये भी आपको क्लियर करना है। और साथ ही साथ जब ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने के लिए आए और आपको पता चले कि ये पैचअप करना चाहते हैं तो आपको उनके साथ भी एक क्लियर कम्युनिकेशन करना है जिसमें आपको अपने दिल की ख्वाहिशें भी उनको बता देनी है। तो ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर।